इस साल के आखिर में गुजरात विधानसभा चुनाव होने हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव को कांग्रेस खुद को जिंदा करने के मौके के तौर पर देख रही है। गुजरात में जीत के लिए पार्टी ने खास प्लान तैयार किया है। सूत्रों की माने तो गुजरात में जीत के लिए कांग्रेस हार्दिक पटेल का हाथ थाम सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी गुजरात के रण में पाटीदार और अन्य पॉलिटिकल पार्टियों के साथ गठबंधन की तैयारी में है। इस रणनीति को कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी से भी हरी झंडी मिल गई है। माना जा रहा है कि यूपी की हार से सीख लेकर कांग्रेस इस बार गुजरात के चुनावों में फुल प्रूफ प्लान लेकर चल रही है। इसके लिए वो राज्य स्तरीय महागठबंधन बनाने की तैयारी में है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस को एक दूसरा लाभ ये भी मिलने वाला है कि इस बार कांग्रेस को आपकी चुनौती नहीं मिलेगी। दरअसल कपिल मिश्रा के आरोपों के बाद अरविंद केजरीवाल की छवि बुरी तरह धूमिल हुई है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी पंजाब और गोवा चुनाव में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। ऐसे में माना जा रहा है कि आप गुजरात चुनाव या तो लड़ेगी ही नहीं और लड़ेगी तो पार्टी का असर न के बराबर रहेगा। गौरतलब है कि हार्दिक पटेल गुजरात में बड़ा नाम बनकर उभरे हैं। हार्दिक का भले ही बहुत बड़ा जनाधार न हो लेकिन पाटीदारों को तो वो एक कर ही सकते हैं और अगर कांग्रेस साथ हो तो बीजेपी मुश्किल में पड़ सकती है। हालांकि गुजरात दौरे पर गए अमित शाह इस बात से अनजान नहीं होंगे और वो इसी के तहत अपनी प्लानिंग भी कर रहे होंगे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।